आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, टीडी न्यूज में मैं अक्षता सहाय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टीडी न्यूज में आपको मिलेगी बॉलीवुड की हर छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी अपडेट, तो बस देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल यानी कि टीडी न्यूज। आज टीडी न्यूज में हम बता दें कि अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड के खिलाड़ी माने जाते हैं और हर साल उनकी ढेरों फिल्म आती है और हमेशा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन जाती है। बता दें कि अक्षय कुमार का करियर अनोखा रहा है और उनकी करियर में जो इस तरह की उन्होंने फिल्में की हैं काफ़ी सराहनीय रही हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सालों साल बस बढ़ती ही जा रही है। उनकी कुछ फिल्में जैसे बैटमैन और उनकी अभी हाल ही में आने वाली फिल्म रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे इफ़ेक्ट करती है पॉजिटिवली और सोसाइटी के बुराइयों को हटाने में भी काम करती है। अभी हाल ही में उन्होंने एक सबसे बड़े राजा यानी कि पृथ्वीराज चौहान की इस फिल्म को किया जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाई। बता दें कि इस फिल्म में मानुषी छिल्लर भी थी बट बदकिस्मती से यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म नहीं बन पाई। जी हाँ, ये फिल्म का बजट काफ़ी ज़्यादा था यानी कि 200 करोड़ की ये मूवी में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए गए थे और इस फिल्म ने जितनी उम्मीदें थी उतनी ये फिल्म पूरी नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते बाद भी ये अपना इतना बड़ा नाम नहीं बना पाई। इसे कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया जितना कि सोचा गया था कि यह फिल्म बड़ा बिजनेस करेगी। 2022 की अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान बॉक्स ऑफिस पर फीकी नजर आई। वही कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आई। एक हफ्ते में ही उस फिल्म ने 90 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। बता दें कि अक्षय कुमार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है इस फिल्म के बाद। अब देखना होगा कि यह फिल्म आगे कैसा बिजनेस करती है और अक्षय कुमार की अगली फिल्मों का क्या हाल होता है बॉलीवुड में। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़। मैं अक्षता सहाय आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।